हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पावरफुल फैक्ट में। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे इस चैनल पावरफुल फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन का बेल बटन जरूर प्रेस कर दें। इस वीडियो के जरिए हम सीखेंगे कि आप अपने काइन मास्टर फिल्म में वीडियो को बीच से कट कैसे करेंगे और लेफ्ट से कट और राइट से कट कैसे करेंगे और साथ ही बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कैसे करते हैं। इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें और सीखते रहें। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर से काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे कि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसे। आप भी काइन मास्टर को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद काइन मास्टर को सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं काइन मास्टर का डैशबोर्ड है। काइन मास्टर के डैशबोर्ड में सबसे लेफ्ट साइड में आपको सब्सक्राइब नाउ बटन दिख रहा होगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो साइन इन करके इसे परचेज कर सकते हैं। सिंपली मैं इस वीडियो में आपको वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करूंगा। वीडियो को एडिट करने के लिए आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पर दिया गया है। एस्पेक्ट रेशियो में यहाँ पर यूट्यूब के लिए अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो लेना है आपको। अगर आपको फेसबुक के लिए एडिट करना है या फिर कोई भी शॉर्ट वीडियो लाइक टिकी फेसबुक शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे आपको 9:16 का लेना है। उसके बाद फेसबुक के वॉच पेज के लिए अगर आपको एडिट करना है तो 1:1 लेना है। उसके बाद अदर्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, और भी यहाँ पे चार दिए गए हैं, अपने हिसाब से आप इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे अपने सिंपली प्रोजेक्ट का नाम लिख के और आगे बढ़ें। हम यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट लिख देते हैं। फिलहाल सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे 16:9 पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सबसे राइट साइड में ऊपर में आपको नेक्स्ट बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो है काइन मास्टर एडिटिंग का फर्स्ट डैशबोर्ड आपको कुछ इसी तरह दिखेगा। तो सबसे पहले आपको अपने वीडियो को यहाँ पे लेके आ जाना है, जो भी वीडियो को आपको एडिट करना है। जैसे कि मैं अभी अपने इस वीडियो को लाऊंगा, मैंने अभी जो डाउनलोड किया है, मैं ये वीडियो को इसमें लाया हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स। आप भी इसी तरह से अपने वीडियो को जो भी रिकॉर्ड किया है उसे यहाँ पर लाना है और सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है इसे। अगर आपका वीडियो का वॉल्यूम अगर कम है तो यहाँ से आप अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक पे टिक लगा के इंक्रीज कर दें अपने वॉल्यूम को। उसके बाद क्लिप ग्राफिक में अपने ग्राफिक को लगा सकते हैं। अगर आप वीडियो को स्लो मोशन में करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से सबसे पहले आप अपने वीडियो को पहले जहाँ से जितना वीडियो को अगर आप स्लो मोशन करना चाहते हैं उतना वीडियो को काट के अलग कर लें। यहाँ पर कैंची का बटन आपको सबसे ऊपर में दिख रहा होगा, यहाँ से कैंची के बटन पर क्लिक करके यहाँ पर सबसे ऊपर में ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो राइट कट के पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। अगर ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड करेंगे तो लेफ्ट का कट के पूरा का पूरा ये लेयर से बाहर आ जाएगा। स्प्लिट एट प्ले हेड पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये बीच से काट देगा और वीडियो को भी यहीं पर छोड़ देगा। तो हमको इसे सिर्फ बीच से ही काटना है, तो हम स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो जो है यहाँ से बीच से कट चुका है। अब हमें इस पार्ट को स्लो मोशन करना है, तो इस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसका स्पीड जो है यहाँ पे स्पीड को इसका घटा देंगे। स्लो मोशन यहाँ पे सेट करके यहाँ पे राइट पे टिक लगाएं, उसके बाद प्ले करके आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो स्लो मोशन में आ चुका है। सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आपको पता नहीं है कि बैकग्राउंड कैसे चेंज किया जाता है तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आपका अपना वीडियो का पहले से ही बैकग्राउंड ग्रीन रहना चाहिए। अगर आप अपने फेस का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो पीछे में अपना ग्रीन स्क्रीन लगा ले, जैसे कि कोई पर्दा लगा सकते हैं या ग्रीन स्क्रीन आजकल जो है फ्लिपकार्ट पे बहुत सारा अवेलेबल है, उसे वहां से आप परचेज करके ग्रीन स्क्रीन अपने पीछे लगा के और वीडियो शूट करना है। उसके बाद जो है अगर आपको बैकग्राउंड में वीडियो को बैकग्राउंड चेंज करना है तो सबसे पहले आप जो है जो भी बैकग्राउंड पीछे में लगाना चाहते हैं उस बैकग्राउंड को पीछे में सेट कर ले। जैसे कि मान लीजिए हम इसी वीडियो को अपना बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं,
या फिर अगर आप दूसरा कलर भी अगर लगाना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सिंपली यहाँ मीडिया पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इमेज असिस्ट देख सकते हैं फ्रेंड्स। इमेज असिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप बैकग्राउंड में कोई कलर लेके आ सकते हैं। अगर आपको कलर लाना है तो कलर लेके आएंगे, और जितना लंबा आपका वीडियो है उतना लंबा ऐसे सिंपली स्क्रॉल करते जाएंगे। आपको लेयर पर क्लिक करना है, उसके बाद जो है मीडिया पर क्लिक करना है, उसके बाद जहाँ पे भी आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड किया है वहाँ से वीडियो को सिंपली क्लिक करके वहाँ पे लेके आ जाना है। यहाँ से कुछ ज़्यादा आगे आ गया है वीडियो, तो यहाँ से हम इसे स्प्लिट एट प्लेहेड करके इस पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ से फ्रेंड्स देख सकते हैं ये दो भाग में बट चुका है। अब हम इसे सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ से डिलीट बटन पे, यहाँ पे अगर आप भी डिलीट करना चाहते हैं कोई भी पार्ट को, यहाँ से सिलेक्ट करके उसे यहाँ से डिलीट बटन पे क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरा जो है ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अब इसे थोड़ा बड़ा कर लें, पूरा स्क्रीन सेट कर दें। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है पूरा स्क्रीन सेट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सबसे नीचे क्रोमा की, क्रोमा की ऑप्शन जो दिखने को मिल रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ क्रोमा की पे आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनेबल पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑलरेडी जो है पूरी तरह से ग्रीन स्क्रीन हो चुका है, बैकग्राउंड इसका हट चुका है। अब ये पूरी तरह से बैकग्राउंड इसका हटाना ही है। आप देख सकते हैं इनके बालों के साइड साइड में थोड़ा थोड़ा आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, तो इसे ठीक करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली कलर को जो है आगे पीछे करके आपको जो है देख लेना है अच्छी तरह से। आप फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे जैसे मैं आगे इसे खिसका रहा हूँ तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसका जो है फोटो भी पूरी तरह से कट खुट रहा होगा। इसी तरह से फ्रेंड्स आपको इसे अच्छी तरह से यहाँ पे कलर को सेट कर देना है। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो है ये ग्रीन स्क्रीन पूरी तरह से इसका हट चुका है, और बैकग्राउंड में मैंने जो भी वीडियो लगाया था वो वीडियो यहाँ पर आ चुका है। अब फ्रेंड्स आपको बैकग्राउंड में कोई भी वीडियो अगर लगाना है तो आप इसी तरह से लगा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ तक जो है ये ग्रीन स्क्रीन का जो है यूज़ किया, अब यहाँ से मैं इस पे वीडियो को यूज करने वाला हूँ, तो इसे मैं स्प्लिट प्ले हेड पर क्लिक करके यहाँ से जो है फालतू पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मीडिया पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, जहाँ पर भी हम मेरा वीडियो था उस वीडियो को यहाँ पर हम बैकग्राउंड में जो हम सेट करना चाहते हैं उस वीडियो को सिंपली यहाँ पर हम लेके आएंगे। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं मैंने जो है ये वीडियो को लाया बैकग्राउंड में, ये सारे के सारे फ्रेंड्स जो है कॉपीराइट फ्री वीडियो है, तो यहाँ से मैंने ऑलरेडी देख सकते हैं फ्रेंड्स बैकग्राउंड में ये वीडियो मैं ला चुका हूँ। अब मैं फिर अगर इस पर यही बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ तो मैंने जो भी रिकॉर्ड किया ठीक, आप उसी तरह से लेयर पर क्लिक करेंगे जहाँ पर भी आपका वीडियो रिकॉर्डेड है, वहाँ से मीडिया पे क्लिक करके सिंपली उस वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये वीडियो बहुत हाई क्वालिटी का है, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये जो है दिल का यहाँ पे फुटेज आ चुका है। अब सिंपली इसे हम बड़ा कर सकते हैं या फिर छोटा भी रहने दे सकते हैं, और खिसका के अगर साइड में अगर आपको इसे सेट करना है तो वो भी आप यहाँ पर फ्रेंड्स कर सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसे बड़ा करूँगा और यहाँ पे साइड में ही मैं इसे रखूँगा। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स सेट हो चुका है। अब फिर से हमें जो है क्रोमा की पे क्लिक करना है। क्रोमा पे की पे क्लिक करने के बाद आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे पूरी तरह से ऑलरेडी हट चुका है। यहाँ पे अब इसे कलर को भी सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर सिंपली राइट पर क्लिक करना है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर जो है दिल का भी फोटो फुटेज के साथ यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हमें इस वीडियो के ऊपर में कोई भी टेक्स्ट डालना है तो उसे कैसे डालेंगे, तो सिंपली लेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स टेक्स्ट, टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पे टाइप करके लिख दें। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब, सब्सक्राइब मैंने जैसे ही लिखा यहाँ पर आप फ्रेंड्स अब जो है ओके पे क्लिक करना है। सब्सक्राइब बटन ऑलरेडी, सॉरी, सब्सक्राइब टेक्स्ट जो है ऑलरेडी आ चुका है। अब इसका आपको जो है कलर वलर चेंज करना है तो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ से जो है आप इसका कलर वलर चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हम इसके ऊपर टेक्स्ट लगा सकते हैं और इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपको और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं। अगर आप रोटेट मिररिंग पे क्लिक करेंगे तो फुटेज पे सिंपली रखना है। मैंने ये ग्रीन स्क्रीन वाले फुटेज पे क्लिक किया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको रोटेट मिररिंग दिख रहा होगा यहाँ से, तो यहाँ से रोटेट मिररिंग पे जैसे क्लिक करेंगे वीडियो उल्टा का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तरह से रोटेट का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से छुएंगे, टच करेंगे इस पर तो वीडियो घूम जाएगा। कुछ इस तरह से आप अपने वीडियो को जो है घुमा सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो घूम चुका है। यहाँ से सिंपली मिररिंग पे अगर क्लिक करेंगे तो सीधा आईने की तरह जो है उलट जाएगा वीडियो। देख सकते हैं फ्रेंड उलट रहा है। तो मिररिंग का ये जो है बहुत अच्छा यूज है। अगर आप आगे जाएंगे फेसबुक का, अगर आप वीडियो क्रिएट करेंगे तो आपको मिररिंग का ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए मैंने मिररिंग को बता दिया। मैं इस पर जो है इम्पोर्टेंट जो भी टूल्स है उसे ही मैं कवर कर रहा हूँ। यहाँ से अल्फा ओपेसिटी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जो है आप वीडियो का ओपेसिटी जो है बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद हम अगले टूल्स के बारे में बात करेंगे। स्पीड की बात कर चुके हैं। रिवर्स, रिवर्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स। रिवर्स पे अगर आप लगाएंगे तो वीडियो उल्टा चलेगा और एक लेयर और बन जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सिंपली इस लव लव वाले पे जो है मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं रिवर्स पे क्लिक करूँगा। तो फ्रेंड्स ये जो है अब रिवर्स हो जाएगा तो वीडियो जो है उल्टा चलेगा। अगर आपको अपने वीडियो को कुछ उल्टा तरह से दिखाना है तो आप रिवर्स कर लें इस वीडियो को, रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद हम कलर फिल्टर की बात करते हैं। कलर फिल्टर में आपको जो है पहले से कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो कलर फिल्टर में आप जो है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस वीडियो पर क्लिक किया, पीछे में जो आपको कुछ पक्षी दिख रहे होंगे उस पक्षी वाले वीडियो पे ही ये अप्लाई होगा कलर फिल्टर। तो सिंपली कलर फिल्टर पे हमें क्लिक करना है। कलर फिल्टर पे जैसे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से अपने फिल्टर को आप बदल सकते हैं। देख सकते हैं फिल्टर बदल रहा है। अगर आपको सिनेमेटिक तरह से कुछ एडिट करना है तो आपको कलर फिल्टर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कलर फिल्टर को भी कवर किया। उसके बाद बात करते हैं अगले ऑप्शंस के बारे में। और यहाँ से आपको जो है और कुछ यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से जो जो चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ रही है वो मैंने इस पर कवर कर लिया है। अब आपको अगर स्मार्टफोन वाले वीडियो के ऊपर में जो है आपको अगर स्मार्टफोन सेट करना है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो को क्रिएट करूँगा। अगर वो भी वीडियो अगर आपको सीखना है जो अपने वीडियो को जो है स्मार्टफोन के अंदर कैसे ऐड करते हैं, वो वाला वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस वीडियो के जरिए आप इतना ज़रूर सीख चुके होंगे कि आपको एक अच्छी वीडियो बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको एक और टॉपिक के बारे में मैंने इसमें नहीं बताया है, वो है वॉइस। वॉइस मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसमें जो है मेरा वॉइस वाला यहाँ पे फुटेज है नहीं। मैं अपने खुद का वॉइस वाला एक फुटेज लाऊंगा, उसके बाद उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो वॉइस के लिए अगर आप वॉइस चेंज करने के बारे में, वॉइस अट्रैक्टिव बनाने के बारे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम उसे एक अलग टॉपिक में कवर करेंगे। उसके बाद जो है आपका जो यूट्यूब के लिए आप वीडियो बनाएंगे तो मेरे इस आवाज़ को अगर आप सुन रहे होंगे, मेरा ये आवाज़ जो है कुछ गूंज रहा होगा, तो आपको उसी तरह से इसमें अगले वीडियो में मैं सिखा दूंगा अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो। तो फ्रेंड्स आपका वीडियो एडिट का काम अगर जब हो जाए तो आपको लास्ट में अपने वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपको राइट साइड में एरो का निशान आपको दिख रहा होगा, एरो का बटन दिख रहा होगा। एरो का बटन पर सिंपली आप क्लिक करेंगे। एरो का बटन पर क्लिक करने के बाद इसका नेक्स्ट डैशबोर्ड जो है काइनमास्टर कुछ इस तरह से आएगा। सबसे ऊपर में आपको रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट देखने को मिल रहा होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाला तो फुल HD है ही, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है HD 720 पिक्सल में ही अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करें ताकि आपका जो है ज़्यादा लंबा साइज का वीडियो ना हो। और फ्रेंड्स नीचे में जो आपको ये देख रहे होंगे ये बिट रेट का सेट करने के लिए है। और सबसे लास्ट में आपको जो नीचे में बिट रेट और अबाउट जो है कितना MB लेगा ये अब यहाँ से सेट करके आप बिट रेट को सेट करके आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कितना MB का ये बनेगा। तो फ्रेंड्स आप अपने वीडियो को जो है अपने हिसाब से सेट कर ले। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि HD 720 पिक्सल में डालें और 24 फ्रेम रेट यहाँ पे
जो है 24 फ्रेम रेट डाल के सेव एज वीडियो पर क्लिक करें। सेव एज वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे काइंड मास्टर का रूल्स आ गया है, मंथली सब्सक्रिप्शन और ईयरली सब्सक्रिप्शन वाला यहाँ पे आपको दिखता है। मेरा में इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि मेरा डेटा नहीं ऑन है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, नहीं तो स्किप करके आगे बढ़े। स्किप करने के बाद आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपका वीडियो कितना लंबा है, उस हिसाब से जो है यहाँ पे टाइम लेगा। ये मेरा ही कुछ समय में ही एक्सपोर्ट कर देगा क्योंकि मेरा वीडियो का ज़्यादा लेंथ जो है लंबा नहीं है, इसलिए कुछ ही समय में ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट होने के बाद हम इसे प्ले करके देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को मैं प्ले कर रहा हूँ। प्ले करने के बाद आप देख सकते हैं किस तरह से वीडियो एडिट हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में जो है वीडियो एडिट हुआ है। आगे करके भी हम थोड़ा देख लेते हैं, जैसे मैंने फ़िल्टर लगाया था उसी तरह से यहाँ पे फ़िल्टर आया है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको बिना वाटरमार्क वाले ऐप से वीडियो को एडिट करना है, अगर आपको सीखना है उस ऐप के बारे में ट्यूटोरियल्स, तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम उसके बारे में जो है एक नया वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।